अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का जो हमारा इंग्लिश क्लासेस में हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। और इसमें हमने आज जो टेंस देखना है वो है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम आज देखेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो होता है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है प्लस आईएनजी। ये इसकी पहचान होती है कि जिसमें आईएनजी यूज़ हो रहा हो, मींस कि कॉन्टीन्यूस काम हो रहा हो, कोई ऐसा ज़माना जिसमें जारी काम हो रहा है या पास्ट है। कॉन्टीन्यूस टेंस में इसको हम देखते हैं कि कोई काम है जो वो हो रहा था, मतलब इस तरह रहा था, रही थी, इस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला आप इसे कह लें पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। और साथ ही जो हमारे पास तीन फॉर्म्स होती हैं इसकी, अफॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, जो इसकी फॉर्म्स होती हैं, इसमें हमारे पास ये से आप कह लें ये सिंपल सेंटेंस है या फिर अफॉर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अफॉर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होगा वो किस फॉर्म में होगा। नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। उसमें हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट। नॉट इसकी पहचान है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है हमारे पास, वो चाहे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हो या सिंपल पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात हो रही हो, तो इसमें नॉट जो यूज़ होता है ये क्या होता है, इसकी पहचान होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस आईएनजी, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और ये हमारे पास अफॉर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस है जो हम लिखते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस का, ये उसका फॉर्मूला है कि आप इस तरह फार्मूला यूज़ करते हुए सेंटेंस की फॉर्मेशन, आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और सेंटेंस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि सेंटेंस कौन सा है और इसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या जिसे क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं, वो हम किस तरह बनाते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हम देखें पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इंटरोगेटिव का, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका ये हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगर हम देखें कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जब तक एग्जांपल्स नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। और आपने ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आपने समझना है कि पास्ट टेंस में अगर हम जो हम कर रहे हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ये किस तरह है, जिस तरह मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस बताया, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है अगर आपने इसको अच्छी तरह समझना है। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की, अफॉर्मेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये एग्जाम्पल मैंने ले ली, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट हमारे पास आई है, ठीक है, वॉज वर्ड यूज़ हमने यूज़ किया, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि पास्ट टेंस है सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्ले एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और साथ हमारे पास आई एन जी यूज़ हुआ है जो हमने यहाँ बताया था कॉन्टीन्यूस की पहचान है, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिकेट है। मीन्स कि हमारा यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला था वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, दिस इज़ द सेंटेंस ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है। इसमें यूज़ क्या हुआ है, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमने बात की नेगेटिव की, अगर हम उसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे आई वॉज नॉट प्लेइंग
आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस. कहाँ से पता चल रहा है? यहाँ से. हाँ जी, नॉट से. आपने याद रखना है कि सिंपल अफॉर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका क्या डिफरेंस होता है नेगेटिव से. सिंपल उसका नेगेटिव का जो होता है वो नॉट होता है. अगर आपको नॉट का पता चल गया, समझिए ये नेगेटिव सेंटेंस है. और आई एन जी और वॉज वर्ब जहाँ यूज़ होगा वो होगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो आप किस तरह लिख सकते हैं. उसमें आपने जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको हमने किस तरह लिखना है. सेम हमने वॉज वर्ड जो हमारे पास होता है, फॉर्म ऑफ वर्ड जो हमारे पास होती हैं, इसको हमें स्टार्ट पे ले आना है. वॉज आई प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट. तो ये क्वेश्चन मार्क हमने लगाना है क्योंकि हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये. तो ये हमारे पास बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. कौन सा टेंस कर रहे हैं हम? सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हुए हमने अफॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है. इसी तरह आप बना सकते हैं और भी सेंटेंस जो हमारे पास हैं. जैसे लिखते हैं यू, यू को भी यूज़ करते हुए. सब्जेक्ट्स हमारे पास ही, शी, इट और आई को भी यूज़ करते हुए आप डिफरेंट सेंटेंस बनाते हैं जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं. तो आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं अपनी आसानी के लिए. यू वर, यू वर प्लेइंग क्रिकेट. यू वर प्लेइंग क्रिकेट. तो इसको अगर नेगेटिव करेंगे तो कैसे चेंज होगा? यू वर यहाँ आ जाएगा नॉट. वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. ये हमारे पास नेगेटिव बन गया. अगर आपने इसको इंटरोगेटिव करना है तो आप किस तरह चेंज करेंगे? आपने वर को जो है स्टार्ट पे ले आना है. तो क्या होगा? वर, वर क्या उसके बाद होगा? यू. हाँ जी, वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग क्रिकेट. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है, आपने इस तरह इसको करना है. ये आपकी आसानी के लिए मैंने सेंटेंस दिए हैं तो आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं समझने के लिए. इनके बेसिक्स आपको आ जाएंगी तो फिर आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास था सिंपल जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस जो हमने किया था. उसके बाद हमने पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस जो किया और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये. और हमने सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी किया और हमने पास्ट उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस किया. और हमने आज स्टार्ट किया हुआ है ये. आपने तब करना है जब आपको सिंपल पास्ट टेंस की समझ आ जाएगी. तो उसकी प्रैक्टिस करनी है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये भूल जाएंगे. स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आपने देखा, अगर आपको ये पता है कि हमने सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास होंगे तो पूरा हमारा ये सारे हमारे पास समझें कि इंग्रेडिएंट्स हैं. किसी भी चीज़ के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं. अगर तब तक वो नहीं डालेंगे तो वो कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती. ऐसे ही ये होता है कि हमारे पास टेंस है, इसमें जब तक आप ये सारी चीज़ें पूरी नहीं करेंगे आपका सेंटेंस जो है वो ठीक नहीं होगा. तो आपने इसको याद करना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको ये टेंस आ जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टेंस के साथ हम हाज़िर होंगे. तब के लिए अल्लाह हाफिज़. आपने ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को टेंसेस में प्रॉब्लम होती हैं. तो अपना ख्याल रखिएगा.